तो कैसे हो तेजस्वी लोग, आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। तो मैं आपका दोस्त श्याम सावंत और आप देख रहे हैं एसएस मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हर बार की तरह हमारा आज का विषय भी है महाराणा प्रताप। जो महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको छोटा सा परिचय दे देता हूँ। एक्चुअली परिचय नहीं, बस एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ, जिससे आप महाराणा प्रताप की पूरे जीवन कथा को जान जाएंगे। तो ये वाक्य है उस समय का, जब हल्दीघाटी का युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। तब हल्दीघाटी के युद्ध होने से पहले महाराणा प्रताप के पास अकबर ने 8 शांति दूतों को भेजा था। तो महाराणा प्रताप ने हर शांति दूत का सम्मान किया और वो शांति के सदैव पक्ष में थे। उनसे वार्तालाप करी और कहा कि हम सदैव शांति चाहते हैं, लेकिन मातृभूमि से कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे और यह मेवाड़ सदैव स्वतंत्र था, है और रहेगा। और ऐसी वीरता और ऐसे शौर्य को देखकर अकबर एक बार इतना प्रभावित हुआ और उन्हें राणा प्रताप को यह प्रस्ताव दे डाला कि हे आर्य पुत्र, हे मेवाड़ी वीर, तू तो बस इतना कह दे कि मैंने तुझे संपूर्ण भारत का राजा मान लिया, इसी के बदले मैं तुझे आधा भारत दे देता हूँ। सोचिए, यदि अगर हम और आप होते तो संभवतः ये एक छोटा सा वाक्य था जो बोलना था और हम कह भी देते। यही तो फर्क है हम में और उनमें। वो राणा प्रताप थे और हम कुछ भी नहीं है। राणा प्रताप ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मातृभूमि से गद्दारी कर जो कुछ भी मिले वो सब पाप है और उसको मैं कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा। और ये बात मैं सुनना तो दूर, सपने में भी सोच नहीं सकता। और इसी के बाद हुआ हल्दीघाटी का वो महान युद्ध। तो मुझे लगता है कि बस एक छोटा सा यह वाक्य राणा प्रताप का पूरा जीवन दर्शाने के लिए काफी है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, उनका परिचय देते देते हम अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन उनका परिचय कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे महापुरुषों का परिचय देने का हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं है। तो बिना समय गवाए हम एक प्यारी सी कविता है उन पर जो शुरू करते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छी लगे। चर्चे तक पर तलवार उठा, रखता था फूटन पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को, कल कल बहती थी रणगंगा अलदल रूप नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उसे पार लगाने को, वेरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुकार गिरी, दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार। पैदल हैदल गजदल में, पैदल हैदल गजदल में छप छप करती वह निकल गई, शन कहाँ गई कुछ पता नहीं, देखो चमचम वह निकल गई, शन इधर गई शन उधर गई, शन चरी पार सी उतर गई, शन इधर गई शन उधर गई, शन चरी पार सी उतर गई, था प्रलय मचाती जिधर गई, था प्रलय मचाती जिधर गई, शन शोर बोंगिया किधर गई, लहराती थी सर काट काट, बलकाती थी भू पाट पाट, बिखराती थी अफय पाट पाट, लोग तनती थी लोगू चाट चाट, शन भीषण हलचल मचा मचा, शन भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार भरी था शोर, था शोरे रक्त पीने को लिया रणचंदी प्रसार भरी। अगर यदि आपको ये कविता पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस कविता को जनमानस तक, जन साधारण तक पहुंचाइए। और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय मेवाड़।